मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का पिकरिंग में वाकिया मेमन सुपरमार्केट का दौरा। वजीर आजम ग्राहकों और मेमन सुपरमार्केट के स्टाफ के साथ घुल मिल गए। ट्रूडो का कहना था कि महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कनाडा का यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद देने का ऐलान। जंगी साजो सामान के साथ ज़रूरी अशिया यूक्रेन को फराहम की जाएंगी। मजमूई पैकेज की मालियत $57 मिलियन है। अफगानिस्तान को खुराक और तिब्बी सामान की कमी का सामना। कैनेडियन वजीर आजम ने अफगानिस्तान की मदद के लिए टाइमलाइन फराहम नहीं की। ट्रूडो का कहना है कि अफगान आवाम की मदद के लिए शराकत दारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूस ने जापान को हेमर्स रॉकेट फायर पर वार्निंग दे दी। जापानी और अमरीकी अफवाज की रूसी सरहद के करीब मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद। रूस का कहना है कि ऐसी मशकों के नताइज संगीन निकल सकते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदाद पेश। चीन पाकिस्तान समेत 35 ममालिक ने वोट नहीं डाला। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पिकरिंग में वाकिया मेमन सुपरमार्केट का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ फराहम करने का भी वादा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पकरंग में वाकया मेमन सुपरमार्केट का दौरा किया। उनका इस्तकबाल अली मेमन, इसहाक मेमन, असद मेमन, इरफान सत्तार और सुमेरा सत्तार ने किया। प्राइम मिनिस्टर इस मौके पर ग्राहकों और मेमन सुपरमार्केट के स्टाफ के साथ घुल मिल गए और लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनाई। प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर मेमन सुपरमार्केट के दौरे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए लिखा कि उन्होंने कैनेडियंस की आरा महंगाई के हवाले से सुनी और वो यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से उन्हें रिलीफ फराहम करने का बंदोबस्त करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे के दौरान मेमन सुपरमार्केट में करीब आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने गन कंट्रोल, यूक्रेन को दी जाने वाली ताज़ा इमदाद और अल्बर्टा की हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत के ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। कनाडा यूक्रेन की रूस के खिलाफ मदद के लिए मजीद सामान भेज रहा है, जिसमें जंगी साजो सामान से लेकर दांतों तक सब कुछ शामिल है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन रूसी फिजाई हमलों के सिलसिले को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कनाडा इस मशरकी यूरोपीय मुल्क को मजीद सामान भेज रहा है, जंगी साजो सामान से लेकर दांतों तक सब कुछ शामिल है। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने बर्सल्स में अपने नेटो हम मनसबों के साथ ऐलान किया कि ताज़ा तरीन फौजी इमदादी पैकेज में से सिर्फ $15.2 मिलियन का होविटर्स गोला बारूद और $15 मिलियन का सरमाई लिबास है। कनाडा मजीद सैटेलाइट मवासलाती खदमात के साथ $15.3 मिलियन मालियत के हाईटेक कैमरे भी फराहम करेगा, जो यूक्रेनी अपने ड्रोन्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमूई पैकेज की मालियत $47 मिलियन है। आनंद का बयान इस हफ्ते के शुरू में एक ऐलान पर मबनी है कि कनाडा 40 लड़ाका इंजीनियर्स को पोलैंड में तरबियती मिशन में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा है। वो अपने यूक्रेनी हम मनसबों को हाईटेक का पता लगाने वाले आलात के इस्तेमाल की हिदायत देंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान के बावजूद अफगानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकत दारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान के बावजूद अफगानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुंचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकत दारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं।
और हम ये काम जारी रखेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में कोई टाइमलाइन नहीं बताई कि कनाडा के इमदादी ग्रुप कब अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का जवाब दे सकेंगे। इसके बावजूद कि कितनी मरतबा ममालिक ने अपने इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन में महीनों पहले खामियां तलाश की। इमदादी ग्रुपों ने इस मौसम बहार में अराकीन पार्लियामेंट को बताया कि कनाडा के हुकाम ने उन्हें खबरदार किया है कि वो मदद फराहम करके दहशतगर्दों की माली मुआवनत के कवानीन के खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। उन्होंने एक पार्लियामानी कमेटी को बताया कि हुकाम ने कहा कि अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी के लिए सामान खरीदने या ड्राइवर को अदायगी करने पर तालिबान के लिए टैक्स लगेगा, जिन्होंने अगस्त 2021 में मुल्क पर कब्जा किया था और जिसे कनाडा एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम करता है। लिबरल्स का कहना है कि वो एक हल तलाश करना चाहते हैं, लेकिन ट्रूडो ने ताहाल कोई टाइमलाइन पेश नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल को कब ठीक करेगी, ट्रूडो का कहना था कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की हिमायत करना कितना ज़रूरी है, हम ये देखते रहेंगे कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। अफगानिस्तान को खुराक और तिब्बी सामान की कमी का सामना है, जो बैन अलावी पाबंदियों, दो बड़े जलजलों और खुश्क साली की वजह से बदतर हो गया है। उनका कहना था कि हम तालिबान के बावजूद अफगानिस्तान में दरकार इंसानी इमदाद पहुंचाने में मदद के लिए दुनिया भर के शराकत दारों के साथ काम जारी रखे हुए हैं और हम ये काम जारी रखेंगे। अमेरिका और जापान की रूसी सरहद के करीब फौजी मशकों के दौरान हेमस रॉकेट फायर करने पर रूस ने जापान को वार्निंग दे दी है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और जापान की रूसी सरहद के करीब फौजी मशकों के दौरान हमार्स रॉकेट फायर करने पर रूस ने जापान को वार्निंग दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सख्त होती सिक्योरिटी के माहौल में जापानी और अमेरिकी अफवाज रूसी सरहद के करीब 14 रोज़ा मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद कर रही हैं। रूस ने जापान को हमार्स रॉकेट फायर करने पर वार्निंग दे दी है। रूसी वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी सरहदों पर फौजी मशकें बंद की जाएं, ऐसी मशकों के संगीन नतायज निकल सकते हैं। एक तरफ अमरीका ने जुनूबी कोरिया के साथ मिलकर शुमाली कोरिया के खिलाफ मुश्तरका फौजी मशकें की और बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात किए गए, और अब जापान के साथ मिलकर डिटरनेंस और रद्द अमल की सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशकें की जा रही हैं। जापान की ज़मीनी दिफा फौज ने पीर के रोज़ ओकिनावा फौजी अड्डे से 40 अमरीकी मैरीन्स के साथ शुमाली होकाइडो जजीरे में मशकें की और बहरी फोर्स का हाई मोबिलिटी आल्टेरी रॉकेट सिस्टम हमार्स इस्तेमाल किया। जापानी मीडिया के मुताबिक जापान की जानिब से मुतादित लॉन्च रॉकेट सिस्टम से तकरीबन 13 किलोमीटर यानी 8 मील दूर हदफ पर कुल 24 रॉकेट फायर किए। इन मशकों में अमरीकी फिजाइया भी शामिल है। अक्वामे मुत्तहिदा ने यूक्रेन के मुतादित इलाकों के रूस में इंजमाम की शदीद मजम्मत करते हुए करारदाद पेश कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा ने यूक्रेन के मुतादित इलाकों के रूस में इंजमाम की शदीद मजम्मत करते हुए करारदाद पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में अमरीका की जानिब से यूक्रेन के मुतादित इलाकों के रूस से मुलहक होने पर मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई, जिस पर 143 अरकान ममालिक ने वोट दिया। अमरीका की कोशिशों के बावजूद 35 ममालिक ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। करारदाद में अक्वामे मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी इदारों से मुतालबा किया गया है कि रूस की जानिब से सरहदों में तब्दीली को तस्लीम ना करें और मास्को से फौरी और गैर मशरूत तौर पर अपने फैसले वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वोट से रूस के खिलाफ आलमी इत्तेहाद जाहिर होता है। उन्होंने वाजे किया कि अमरीका कभी भी जाली रेफरेंडम को तस्लीम नहीं करेगा। वाजे रहे कि भारत की अमरीका के साथ शराकत दारी बहुत ज्यादा है, मगर रूस के साथ भी करीबी ताल्लुकात तारीखी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 30 सितंबर को सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके रूस में जम किए थे। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।